पिता कितने विचित्र बात है ना। वैसे हमारे पास बोलने को और सुनने को कितना कुछ होता है, और आज जब सब हमें अकेला छोड़ के यहाँ पे बात करने के लिए, तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम बात को आरंभ कहाँ से करें। पूरा जीवन पड़ा हुआ है, कितना कुछ सोचना है और कितना कुछ करना है ना। हम जानते हैं कैसे और कहाँ से आरंभ करना चाहिए। क्या आप हमें पहल करने देंगे? क्यों नहीं कर पाता, हमें लगता है आपने कुछ मन लगा के ही किया। सच कहे तो सोचा तो है, ऐसे कोई खिड़की खटखटाता है क्या? सादर प्रणाम हो जाए सा। ये क्या कर रहे हैं आप कोई पिता? ये क्या है? चलते हो जाए सा। ये क्या कर रहे हैं आप? विवाह के समय पंडित जी के कहने पर आपने हमें जो वचन दिए थे, यदि मैं परदेश जाऊं तो आप श्रृंगार नहीं करेंगी, पर पुरुष से हंसी मजाक नहीं करेंगी और घर से बाहर नहीं जाओगी। भाई साहब, क्या इनका वचन आपको स्वीकार है? स्वीकार है। हम चाहते हैं कि आप वे वचन हमें सचमुच दें। और ये सोच करते हैं कि जिसे आप वचन दे रही हैं वो मात्र आपका पति नहीं, तो फिर कौन है? जब हमने अपना पूरा जीवन अपनी मातृभूमि के नाम कर दिया है, हमारी प्रजा के नाम कर दिया है, तो हमें लगता है कि आप ये वचन हमें ही नहीं, हमारी मातृभूमि, हमारी प्रजा और हमारे राजधर्म को ध्यान में रखते हुए दें। मतलब समझ रही हैं? आप तैयार हैं? जैसे कुंवर प्रताप आज अपने विवाह के लिए वचन लेंगे, वैसे हम भी वचन लेंगे, और उन वचनों को पूरा करने के लिए हम अपना सारा जीवन होम देंगे। हमें अग्नि को और कुंवर जगमाल आपको साक्षी मानकर ये वचन लेते कि हम आपको मेवाड़ की रात सिंहासन पर बिठाएंगे, और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब तक ऐसा नहीं होगा, यही हमारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य है।
हमें वचन भेजा जाए कि आप हमारे साथ साथ हमारे देश को, हमारे देश की पवित्र मिट्टी को, हमारे देश की प्रजा को सर्वोपरि मानेंगे और हम कभी इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। हम आपको वचन देते हैं गौरपिता कि इस देश की पवित्र मिट्टी को, इस देश के प्रिय प्रजा को सर्वोपरि मानेंगे और इसके लिए कभी भी कोई भी समझौता नहीं करेंगे। जैसे भीष्म धर्म और कर्तव्य के दलदल में फंसकर विवश हो गए, ठीक उसी तरह हम कुंवर प्रताप को भी धर्म और कर्तव्य के दलदल में फंसाकर विवश कर देंगे। ऐसे फंसाएंगे, ऐसे उलझाएंगे कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरा वचन, अजब दे आप हमारे और हमारे कर्तव्य के बीच ना कभी आएंगी और ना किसी को आने देंगे। हम आपको वचन देते हैं कुर्दिता, आपके कर्तव्य के बीच नहीं हम आएंगे और ना ही किसी को आने देंगे। आज से आप कर्तव्य ही हमारा धर्म है। हम कुंवर प्रताप के समूचे सहयोग तंत्र को समाप्त करते हैं, उन्हें सबसे बराया करते हैं। हम वचन लेते हैं कि जिन्हें कुंवर प्रताप अपना समझते हैं उनसे वो पराये हो जाएंगे और आज के बाद जिन्हें वो अपना मानेंगे वो सब पराये रहेंगे। और अंतिम वचन, हमारे लिए सबसे पहले है हमारी मातृभूमि, उसके बाद दूसरे स्थान पर हमारी रानी माँ और तीसरे स्थान पर आप आएंगे। आप हमारे आस्था के इस क्रम पर कभी प्रश्न नहीं उठाएंगे। हम आपको वचन देते हैं कोर्ट पर, आपके आस्था के इस क्रम का सम्मान करते रहेंगे। रानी माँ ठीक कहती थी, देवता और पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे साथ है, अभी तो हमें आप जैसा जीवन साथी मिला। किंतु गौर पिता, आपको भी हमें एक वचन देना होगा। अधिकार है आपको, मांगे। आप जीवन में जो भी निर्णय लें वो सामर्थ्य के हित में होना चाहिए, व्यक्तिगत हित में नहीं। हम आपको वचन देते हैं सत्य, ये हम जो भी निर्णय लेंगे वो कभी व्यक्तिगत हित में नहीं होंगे, वो सदैव बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय वाली भावना से होंगे। आप हमारे साक्षी हैं, आज हम आपके सामने खड़े हो गए, अपने आप से वचन ले रहे हैं कि हम कुंवर प्रताप को मारेंगे, हम उन्हें हराएंगे, वो चाहे कितने भी बड़े वीर क्यों ना बन जाए। हम जानते हैं उनके प्राण उनकी प्रजा में बसते हैं, उनके अपनों में बसते हैं, तो बस इन सब को छीन लेंगे हम कुंवर प्रताप से, उनकी रानी माँ और उनकी अजब दे को भी छीन लेंगे, ऐसे निर्बल कर देंगे उन्हें कि
जीते जी मर जाएंगे, अपना धर्म छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। अच्छा के सांस हाँ, केवल परिहास का पात्र बना के रखेंगे कुंवर प्रताप को, क्योंकि हम केवल इतना ही चाहते हैं कि जब इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षर में राणा उदय सिंह के बाद किसी युवराज का नाम लिखा जाए तो वो आप कुंवर चकमाल का होगा। और आप रो पड़ी, यदि रानी माँ ने देख लिया तो हमारा क्या होगा? जदे, इससे पहले कि आपको कोई ऐसे देख ले, ये आंसू पोछे। वैसे ये आंसू आ क्यों रहे थे? कोई पता, वचन लेते समय हमें ऐसा अनुभव हो रहा था कि कितना सिद्धांत और आदर्श वाला जीवन साथी मिला है हमें जीवन बिताने के लिए। बड़ी बात है हमारी। क्या कहा आपने? क्या कहा हमने? वही, जीवन में बड़ी बात सिद्धांत और आदर्श वाली बात। कविता, हम समझ गए आप क्या सुनना चाहते। हम यही कह रहे थे कि हमारे जीवन में कितनी बड़ी बात है, हमें कितना सिद्धांत और आदर्श वाला जीवन साथी मिला। क्या हुआ कविता? अजब दे, आपको किसी ने कहा तो नहीं कि आप समझदार नहीं है? यदि ऐसा कहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप तो बहुत समझदार। एकलिंग जी, बड़ी बात तो आज हमारे जीवन में हुई अजब दे, कि पहली बार आपके मुंह से चार भले बोल अपने लिए सुने, पर इसके लिए आपने कितने पापड़ बिलवाए पता है आपको? सदा ऐसे ही हंसते रहिए सर। अजब दी, तुरंत बंद कर दीजिए अपना हंसना और खिलखिलाना, आपकी विदाई का समय हो गया। राणा जी तो देखते रह जाएंगे आपको वीरबाई जी। महारानी सा, महारानी सा, महारानी सा खम्मा खड़ी। महारानी सा, अभी अभी धावक का संदेश आया है कि कुंवर प्रताप और अजब दी का विवाह संपन्न हो गया है और अब महावधु विदाई की तैयारियां चल रही है। ये तो बहुत अच्छा समाचार लाई हो तुम। ये लो, आपका पुत्र बहू लेकर आ रहा है और आप हमारा श्रृंगार कर रही हैं। चलिए, कितना कुछ करना है उनके स्वागत के लिए, चलिए तो। हाँ, वरवधु सबसे पहले विनायक स्थापना स्थल पर ही आएंगे, वहीं से उनका गृह प्रवेश संस्कार आरंभ होगा। हम तत्काल चलकर वहाँ की साज सज्जा देख लेते हैं, अधिक समय नहीं है हमारे पास। चलिए चलिए। नहीं नहीं अजब भाई साहब, हमारे यहाँ मामा पाँव नहीं छुआते। पर जब कोई मामा पूरे जीवन कष्ट कुछ ही दिनों में उड़ेल दी तो फिर उनके पाँव नहीं छूने चाहिए मामा, उनको तो साक्षात दंडवत करना चाहिए।
मौजराज, बोल दीजिए अपनी बिंदनी से, इतने भावुक बातें हमसे सहन नहीं होती, अभ्यास नहीं है हमें हमें रोने का। अजब दे, आप अपने माता पिता से मिल लीजिए। सुनिए जब, हमने ना आपके सारे स्वर्णभूषण हरी वाली पेटी में रखे, ध्यान रहे वहां ससुराल में ना जिस प्रकार का लहंगा उससे मेल खाते आभूषण पहनिएगा, यूं ही कुछ भी मत पहन लीजिएगा। हमने जो आपको कड़े दिए थे ना वो कड़े अवश्य पहनिएगा, यूं ही पेटी में मत छोड़ दीजिएगा। गलती से हमने ना वो कड़े आपके दुपट्टे वाली पेटी में रख दिए थे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। सुन लिया आपने, आपके शब्द से बिना किसी त्रुटि के ये विवाह संपूर्ण हो चुका। आपने किसी की शिकायत आने दी ना, और हमारी तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप आराम से विश्राम कर सकती हैं। अच्छा, आपको विदा करने के बाद भला हम विश्राम कैसे कर सकते? आज विदाई के बाद आप हमारी पुत्री से मेवाड़ की गोरानी बनने जा रही, भले ही आप फिर आएंगे हमारे पास और कुछ वर्ष रहेंगे हमारे साथ, किंतु हमारी पुत्री बनकर नहीं, हर पल आप हमारे साथ कुंवर प्रताप की अमानत बनकर रहेंगे। हमारी पुत्री तो आज विदा हो रही है ना। आलते का थाल और कलश प्रवेश स्थान पर रखवा दीजिए, जाइए। धीरबाई जी, ये सब हम आपको बुलाने ही वाले थे जीजा। कैसा लग रहा है सब कुछ? कुंवर प्रताप अपनी बिंदनी को लेकर आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि उनके स्वागत में हम इतना तो कर ही सकते हैं। उन्हें उन्हें अच्छा तो लगेगा ना ये सब कुछ? वाह वीरबाई जी, भिंदनी हमारे कुंवर प्रताप लेकर आ रहे हैं और आप तो ऐसे सजी हैं जैसे आप नहीं भिंदनी हो। आपके इस भीषण साथ सज्जा का रहस्य जान सकते हैं हम? जिस तरह प्रताप के विवाह से आप प्रसन्न हुई हैं, ये भी हुई है। नजर ना लग जाए आपको किसी की भी पर। नजर तो लगेगी आपको और आने वाली प्रताप की बिंदनी अजब्ति को भी। माँ, हम सदा आपकी ही बेटी थे और आप ही की बेटी रहेंगे। बत कही ऐसे आ चुकी है। राव जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। Thank you.
सौभाग्यवती भव। जाइए, शीघ्र ही पालकी में बैठ जाइए। वहां चित्तौड़ में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए। अच्छा, और इतने दिनों से जो आप मन ही मन तैयार कर रहे थे, ये अजब देखी विदाई की सभी, ये कहूंगा वो कहूंगा, अब कह क्यों नहीं देते आप? क्या हम क्या कहना चाहते थे अजब दे से? कुछ नहीं कहना चाहते थे। मामला जी, हमें कोई जल्दी नहीं, आपको अजब दे से जो भी कहना कहिए। आप सब हमारे दांतों पर दबाव बन डालिए और जो सही लगेगा वे वो करेंगे। कोक में ही मार डाला अपने भाई को, इसे प्रजा के सामने लाकर अपने राज्य के सौभाग्य की हत्या नहीं करवाना चाहते हम? वही तो कभी कह नहीं पाया जब थे, हमेशा लड़ते रहे, प्रतिवाद करते रहे, दोष पे दोष मनते रहे, और जब अनुभव हुआ कि हमसे भूल हुई है तो कदाचित बहुत देर हो चुकी थी। कभी कह नहीं पाया कितना स्नेह करते हैं वो आपसे अजब दे, बस गलतियां पर गलतियां करते गए। पता नहीं जीवन में कभी ऐसा कोई अवसर मिलेगा या नहीं जब हम इन गलतियों को सुधार सके। ऐसा मत कहिए दादा, आपने सदा हमारा ध्यान रखा, और यही बात देखी तो दादा देखो हमें अनुभव करना होता है, हमने सदा अनुभव किया है, सदा अनुभव किया। जी, अजब दे हमारा गर्व है, हमारा सब कुछ है। आज हमारे गर्व, हमारे सब कुछ को आपको सौंपते हैं। आज से अजब दे आपकी बेटी है। चिंता मत कीजिए राव मामरण जी, अजब दे आज से मेवाड़ का गर्व है। अजब दे, क्या हम आपको पालकी में बिठाने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं? आप मेरा बाप कैसी बातें करती है? देती है माँ देख विदाई, ज्योति उसके दिल में समाई। कहे पिता रो रो कर सबसे बेटी पराई हुई, बेटी पराई हुई, बेटी पराई हुई। रोना ना तो मेरी लाडो, तुझे तो जाना ही था लाडो, अपना धर्म निभाना सदा, तू है अब एक बहू, तू है अब एक बहू।
एक बहू तू है, अब एक बहू तू है, अब एक बहू। हंसा भाई जी, फूल को भाई साहब रोकिए, वो कहीं अजब दे के साथ पालकी में बैठ न जाए, उन्हें कदाचित ध्यान नहीं है कि उनका और अजब दे का साथ यहीं तक का था। चिंता मत कीजिए राव जी, फूल जानती है कि उन्हें कहां तक जाना है, इसलिए कुछ दिनों ने उन्हें बहुत समझदार बना दिया। आइए अंदर बैठिए। आपको भी याद नहीं रहना चाहती, हमारा साथ तो केवल यहीं तक था, अब तो आपके और हमारे मार्ग अलग अलग हैं। मैं तो चित्तौड़ की प्रजा कहेगी कि देखो कैसे डिंगे मारती थी फूल, कि अपनी सखी को ऐसे तैयार करेगी, वैसे तैयार करेगी, और देखो कैसा उतरा उतरा मुख है, सोची सोची आंखें। चित्तौड़ के लोग इतने कठोर नहीं जो भावनाओं को ना समझ सके, और ना ही इतने मूर्ख है फूल कि ये ना समझ सके कि आपसे अच्छा मित्र किसी को मिल ही नहीं सकता। आपसे तो हमें बहुत सारी शिकायतें खुल रही थी, जीवन भर में भी नहीं बता पाएंगे हम आपको। अरे वाह, हमने क्या कर दिया ऐसा? हम पहली बार आपसे और फिर रचितों के भांति मिले थे। अब एक और पग आगे नहीं आ, देखा था ना अभी क्या हुआ था, अगर एक पग... अब बताओ कैसी लग रही है हमारी रंगोली? ये रंगोली कहाँ है? लग रहा है जैसे बहुत सारे रंग गलती से गिर गए, तो हम अपरिचितों की भांति मिले, इसलिए आपको हमसे शिकायत है। शिकायत तो इसलिए क्योंकि तब हम नहीं जानते थे कि ये अपरिचित हमसे हमारी सबसे प्रिय सखी को छीन ले जाएगा। फूल, आपसे आपका कोई भी मित्र नहीं छोड़ रहा, ना अजब दे और ना हम आपके साथ हैं फूल। आप लोगों को जाना चाहिए। सबसे बेटी पराई हुई, बेटी पराई हुई, बेटी
ये क्या कर रही हैं फूल? अभी अभी आपकी सबसे प्रिय सखी का संसार के सबसे उपयुक्त वर के साथ विवाह संपन्न हुआ, और आप आंसू बहा रही हैं? यदि किसी ने देख लिया तो? नहीं फूल, तो आपकी आपकी मित्रता, आपकी मित्रता अपमानित नहीं हो जाएगी? कितनी बार कहा है आपसे, जब हम सुबह की पूजा समाप्त करते तो मत लाया कीजिए इस मनुष्य को हमारे सामने, हमारा सारा दिन बिगाड़ देती है ये। दूर रख, जब तक ठीक तो रहेंगे। हंसा भाई जी, वो मेवाड़ की कुंवरानी बनकर वहां गई है, निश्चिंत रहिए। जा रहा है? हम जा रहे हैं मासी जी। फूल, कुछ दिन तो रुकिए हमारे साथ। नहीं मासी जी, हम यहाँ एक संकल्प के साथ आए थे, कुंवर प्रताप पर अजब देखा विवाह, जो क्या पूरा हो चुका है। पता नहीं मारवाड़ में कितने लोग हमसे रूठे, उन्हें भी तो संभालना है ना। उनका और भाई साहब, औरों का तो हमें पता नहीं है, पर आपने हमारे लिए यहाँ पर जो कुछ भी किया है उसके लिए जो गर्व हम अनुभव कर रहे हैं, वही गर्व आपके माता पिता आपके लिए अनुभव करेंगे। विवाह तो जब देखा हुआ, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम दो दो बेटियों को विदा कर। देखा वीर भाई जी, राणा जी तो बस आप ही को देख रहे हैं। Hey!
भाई साहब पधारो चरण रखावो करते आपका स्वागत है। आपके आने से भाई साहब बढ़ने लगी यूं रंगत है। भाई साहब पधारो चरण रखावो करते आपका स्वागत है। आपके आने से भाई साहब बढ़ने लगी यूं रंगत है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा बहुत पुराना स्वप्न साकार हो रहा है। आज हमारी हार हुई है अजब, परंतु पहली बार हमें हमारी हार पर भी गर्व हो रहा है। चित्तौड़ की महारानी बनने के सारे गुण हैं आप में अजब थे। प्रजा की ये भीड़ भी इस बात को सिद्ध कर रही है। इन सब ने भी आप में अपनी होने वाली महारानी को देख लिया। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो। शहनशाह, खबर यह है कि प्रताप निकाह होने के पश्चात चित्तौड़ के किले में लौट आए हैं। हम अभी इसी वक्त चित्तौड़ के लिए कूच करेंगे। प्रताप ने निकाह किया है तो फिर उसे जरा अपने अंदाजे खास मुबारकबाद तो देनी ही पड़ेगी। मुस्कुराते हैं आप? तो कैसे मुस्कुराते? जैसे जालम सिंह को देखकर आप मुस्कुराती हैं, सर उठा के। राजकुमारी जी, मार्ग बहुत उबड़ खाबड़ है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे मार्ग में पालकी में चलना घातक हो सकता है। आप कहें तो आपके लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवा लें मेवाड़ के महल से। नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे घर मेवाड़ के मंगलोत्सव में कोई व्यवधान है। जब तक कि ठीक मार्ग आरम्भ नहीं हो जाता हम पैदल ही चलेंगे। अजब दे, गृह प्रवेश कीजिए।
नहीं पता था रानी माँ, कि कई गुणों में से आपका सात छज्जा वाला भी गुण है। आपने तो सचमुच स्थल को कितने सुंदर से सजाया, बहुत अच्छा लग रहा है। रानी माँ भी सात सजा का ज्ञान रखती है, किंतु हमें ये सजावट छोटी माँ के हाथों के प्रतीत हो रही है ना रानी माँ? देखा जब थे कितना अच्छी तरह से जानते हैं कुंवर प्रताप अपनी छोटी माँ को। आपको कैसे पता चला इस बात का? रंगों से अजब दे, ये सभी रंग छोटी माँ की रुचि के रंग हैं। वैसे छोटी माँ, आपको इतना श्रम करने की क्या आवश्यकता थी? और रानी माँ, आपने छोटी माँ को रोका क्यों नहीं? हमने अवसर ही नहीं दिया आपकी रानी माँ को रोकने का, ये सब तो हमें करना ही था, क्षमा जो मांगनी थी। किस बात की क्षमा और किससे क्षमा छोटी माँ? अजब दे से। छोटी माँ, आप अजब दे से क्षमा मांगेंगे क्यों? अरे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है कुंवर प्रताप, हम जानते हैं कि इस विवाह में बहुत कुछ हुआ है, हमारी बहन ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हम हमारी बहन के बहकावे में आ गए थे, इसीलिए फूल को आपसे गुणी और आपसे सुशील बिंदनी समझने लग गए। हम बस इतना ही चाहते हैं जब थे कि आप पुरानी सारी बातें भुलाकर हमें छोटी माँ के रूप में स्वीकार करें। अच्छा, छोटी माँ ने आपके लिए इतना सब कुछ कर दिया, कम से कम आप उन्हें यह अनुभव करवा दीजिए कि अब आपके मन में उनके लिए केवल सम्मान एवं स्नेह ही है। जो भी आपने किया उसके लिए हमारे हृदय से आपका आभार, किंतु छोटी माँ यदि आप ये सब नहीं भी करती ना तो भी आप हमारे लिए छोटी माँ ही होती। इसका अर्थ आपने हमें क्षमा कर दिया, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है जत्ते। हम जानते थे कि आप हमें क्षमा कर देंगे, परंतु इतना शीघ्र कि हम नहीं जानते थे, हम नहीं जानते कि आप हमारी बात को समझ पाएंगी या नहीं, परंतु हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि जितना प्रेम जितना स्नेह हम कुंवर प्रताप को देते हैं उतना ही उनकी पत्नी को भी दें। छोटी माँ, आप भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर भावुक हो जाती। ये छोटी बात नहीं है कुंवर प्रताप, हम नहीं चाहते थे कि हमारी अजब थे हमारे प्रेम और हमारे स्नेह से वंचित रहे और ना ही उनके मन में हमारे लिए कोई भरम रहे। थोड़े भरम बात के लिए भी छोड़ दीजिए धीर भाई जी, अजब देखो कुछ दिन सहजता से रहने दीजिए अपने साथ। अपने साथ रहते रहते वे जैसे जैसे आपको समझेंगे आपके लिए उनके सारे भ्रम मिटते जाएंगे, है ना अजब दे? वैसे तो संबंधों में भरम सास और बहू के संबंध में अधिक होता है, परंतु अजब दे तो हमारी पुत्री है, हमें इतना प्रेम देंगे इतना स्नेह देंगे कि अपनी सारी पुरानी शिकायतें भुला देंगे। रानी माँ, हम सच में सौभाग्यशाली हैं, हमें कितनी सहजता से एक नहीं दो दो माँओं का अगाध प्रेम मिल जाता है। हाँ, सौभाग्यशाली तो है ही हम। ये देखिए, सास बहू के बीच अभी मेल मिलाप समाप्त नहीं हुआ और माँ बेटे के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। जवंता भाई जी, पहले अजब देखो कुंवर प्रताप के साथ विनायक पूजा तो करने दीजिए। चलिए
अरे वाह, कुंवर प्रताप के विवाह आरंभ तक तो संस्कार और पूजा विधियों को कितना कम जानती थी छोटी रानी शाह, और इतने कम समय में ही सब कुछ इतनी सहजता से कर रही हैं। वैसे राणा जी और वीरबाई जी की भी विनायक पूजा बाकी है ना जीजा? हाँ, किंतु पहले अजबदे और प्रताप की पूजा पर ध्यान दे। जयंतबाई जी, क्या आप हमें इस पूजा का औचित्य समझाने का कष्ट करेंगे? किंतु बाद में अजबदे और प्रताप की पूजा संपन्न हो गई है, अब इन्हें हमें अपने पूर्वजों के कक्ष आशीर्वाद लेने के लिए ले जाना चाहिए। भाई जी, धीर भाई जी ने हमसे ऐसा क्यों कहा कि हमें और वीर भाई जी को विनायक स्थापना पूजा करनी होगी? आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा, और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है तो उन्हीं से पूछ लीजिए ना राणा जी। नहीं जयंत भाई जी, इस बात का उत्तर आप ही को देना होगा। बताइए क्यों कहा उन्होंने ऐसा? रानी मां आइए, और हमारे महान पूर्वजों से कराइए अजबदे का परिचय। हम है ना जीजा, हम करवाएंगे हमारे पूर्वजों से परिचय अजबदे का। कड़ाचित, आप कहीं ये ना समझ ले कि अजबदे पहले से सब कुछ जानते हैं और उन्हें संक्षेप में सब कुछ बताया। वो क्या है कि उसमें जीजा की कोई भूल भी नहीं है। आप जिस परिवेश से आती हैं, उनको यहाँ लाके पूर्वजों से परिचित कराने का अनुभव जीजा को तो नहीं है, इसलिए हम करा देते हैं आपका परिचय। ये है हमारे वंश के महानायक बप्पा राव। इन्होंने ही वर्तमान मेवाड़ राजघराने की नींव रखी, इसीलिए आज भी मेवाड़ का बच्चा इन्हें रणभूमि के शेर के नाम से याद किया जाता है। युद्ध भूमि में जब ये तलवार लेके घोड़े पर निकलते थे तो शत्रु दल पर भगदड़ बच जाती थी। ये दौड़ते घोड़े से शत्रुओं पर तीरों की बौछार करने के लिए प्रसिद्ध थे। ये है राणा राणा, जिस समय मेवाड़ अपने सुरवीरों के आपसी कलह में उलझा था तो राणा कुंभाजी बड़ी समझ बूझ के साथ पूरे राज्य एकता के सूत्र में पिरोया। जब तक वे जीवित रहे, एक रेंग जी के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाया। हमारे पिता में महाबल राणा सांग खम्मा खम्मा इनके जैसा युद्ध कौशल इतिहास में ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। 80 गांव दे पर खाए, एक हाथ और एक आग गवाए, फिर मातृभूमि के लिए उम्र भर लड़ते रहे। सामंतों के घर में भी इन महान वीरों की कथाएं लोक कथाओं की भांति बारंबार सुनाई जाती हैं। छोटी माँ, हम मानते हैं आपकी बात, परंतु परंपराओं के बारे में जानना और उसके बारे में गुणगान करना एक बात होती है, परंतु उन्हीं परंपराओं को अपना जीवन बनाना, उन्हें मान देना, उन्हें संभाल कर रखना दूसरी बात होती है। अब जब हमारा विवाह इसी वन शुंकला के कुल दीपक से हो चुका है तो हम भी इनके मार्गदर्शन में परंपराओं को संभालना सीख जाएंगे।
परंपरा है तो हमें कोई संदेह नहीं, आप संभाल ही लेंगे, किंतु आपको तो आप इन्हें भी संभालना है। ऐसे क्यों घूर रहे हैं आप हमें? आपको काबू में लाने के प्रयास करते करते थक चुके हैं हम। सुनते ही कहाँ हैं आप हमारे, कभी ये युद्ध तो कभी वो संग्राम। रानी माँ, आप चिंतित मत होइए, हम कुंवर प्रताप को भी अपने काबू में ले लेंगे। सुनिए सुनिए, किससे बात कर रही हैं? हम कुंवर प्रताप सिंह हैं, कोई बिगड़ैल घोड़ा नहीं जिसे आप अपने काबू में करेंगी। आप थक चुकी होंगी रानी, आप जाइए विश्राम कीजिए, इनकी चिंता हम पे छोड़ दीजिए अब आप। अर्थात आप हमारे हमारे उत्तरदायित्व से मुक्त कर रही हैं? अजब थे, अभी अभी तो आई हैं आप इस महल, उतने ही उत्तरदायित्व उठाए जितने आप उठा पाए। लीजिए, सुन लिया छोटी माँ का मुंह तोड़ उत्तर? तो आपको किसने रोका है? सुन लिया छोटी माँ का मुंह तोड़ उत्तर? तो आपको किसने रोका है? क्षमा कीजिए राणा जी, पहले हम देख लें अजबदे का कक्ष तैयार है कि नहीं। आइए सत्य, बापा रावल जी के समय से चली आ रही ये रही हमारे पूर्वजों की पवित्र तलवार। रुकिए जयंत भाई जी, कहाँ जा रही हैं इतनी शीघ्रता से? वो अजबदे का कक्ष तैयार हुआ है कि नहीं ये देखने जा रहे थे हम। जयंत भाई जी, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, अब तक आप अजबदे का कक्ष तैयार कर चुके होंगे। कोई भी काम अंतिम क्षण तक अधूरा छोड़ना आपके स्वभाव में नहीं, लेकिन फिर भी एक बात हम समझ नहीं पा रहे, आप क्यों चाहती हैं कि हम और वीर भाई जी विनायक स्थापना पूजा करें, और वो भी अलग से? हम दासियों को दोपहर के भोजन के लिए बता देते हैं। हाँ सुनो, कुंवर प्रताप की बिंदनी के लिए आज दोपहर का भोजन उनके लिए पहला राजसी भोजन होगा, इसलिए उसमें कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। छुपा लीजिए जितना छुपाना है जयंता भाई जी, आपके मन में क्या चल रहा है ये तो हम जान के ही रहेंगे। और राणा जी के कक्ष में दोपहर के भोज के बाद उनके रुचि की मिठाइयाँ और पान के बीड़े रखवा देना। और हाँ, केशर मिश्रित दूध पात्र और केवड़ा मिला पीने का जल पात्र भी रखवा देना, ठीक है? जाइए। ये क्या कर रही हैं जयंत भाई जी? अजब दे, पता है दासीराज ने हमें क्या उपहार दिया था विवाह पे? एक नई तलवार और ढाल, क्या आप उसे देखेंगी? हाँ हाँ अवश्य देखेंगे, चलिए चलिए। अजब दे, कहाँ जा रही हैं आप? जी वो हम जी, हम क्या कुंवर प्रताप, अजब दे थक गई होंगी, उन्हें थोड़ा देर विश्राम कर लेने दीजिए, और आप भी अपने कक्ष में जाकर विश्राम कीजिए। जी जाने आपका कक्ष बहुत सुंदर सजा है, देखेंगे नहीं? हाँ हम देखेंगे, अवश्य देखेंगे, चलिए। हम्मा खड़ी रानी सा, महारानी सा ने आपको याद किया है। आज रात आपको अपने पत्नी होने का अधिकार मिलेगा, और ये कक्ष हम आपके और राणा जी के लिए तैयार कर रहे हैं। कह दीजिए कि हम अजबदे को उनके कक्ष में लेकर जा रहे हैं। जी रानी सर। ये क्या कर रही हैं आप वीर भाई जी? यदि जीजा ने आपको बुलाया है तो आपको उनके पास जाना चाहिए। अजबदे को तो सौभाग्यवती भी उनके कक्ष में ले जा सकते हैं। वो हम हाँ, आप चिंता मत करिए, हम सौभाग्यवती के साथ चले जाएंगे, है ना सौभाग्यवती? चलिए अजबदे।
देखते जाइए कुंवर प्रताप, धीरे धीरे सबको ऐसे ही बड़े प्यार से आपके सभी अपनों को एक दूसरे से ही दूर कर देंगे। सब कुछ बदल जाएगा इस महल, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने देंगे। शहंशाह, ये है बिजौरिया की सरहद। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसे बिजोलिया की सरहद ना कहो मैं मुच्चा, ये तो हमारे ख्वाबों की सरहद है। मेवाड़ की सबसे अहम रियासत बिजोलिया की सरहद, और अब तो ये प्रताप के ससुराल की सरहद भी है। वाह शहंशाह वाह, आपने तो यहाँ की तमाम मालूमात तफसील से हासिल कर रखी है। हमारी फिजूल की तारीफ करना बंद करो महमूद शाह, और जैसा हम कहें वैसा ही करो। जैसे ही शाम ढलने के बाद रात की सियाही तारी हो, तुम बिजोलिया की सरहद के साथ साथ अपने सिपाहियों को कतार में जलती मशाल के साथ तैनात करो। हम भी अपने कुछ सिपाही दे देंगे आपको। बिजोलिया वालों को सोचने दो कि आपकी और हमारी फौज ने मिलकर बिजोलिया को चारों तरफ से घेर लिया है, और जब अपनी पूरी फौजी तवज्जो यहां लगा देंगे, हम अपनी बाकी तमाम फौज के साथ चित्तौड़ के किले पे हमला बोल देंगे।